हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कुवैत में रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल लागू किया गया है एक्सपैट्रिएट के लिए जो कुवैत में रहते हैं। सो दोस्तों, इस रूल के मुताबिक अगर आप जो है कुवैत से अपनी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे आप छोड़ के जा रहे हों या फिर वेकेशन पर जा रहे हों, तो आपको इस चीज़ का पालन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा और फिर उसका पेमेंट करने के बाद ही फिर आपको एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा। इसमें अगर आपकी फ़्लाइट मिस होती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। सो दोस्तों, वो कौन से न्यू टर्म कंडीशंस हैं एक्सपेक्टेड के लिए, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे सामने कुवैत टाइम्स की एक रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सेड ऑन संडे इट हैज़ रीच्ड एग्रीमेंट विद द इंटीरियर मिनिस्ट्री फॉर द कलेक्शन ऑफ बिल्स फ्रॉम एक्सपैट बिफोर दे कैन लीव द कंट्री। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सपैट्रिएट हैं, अगर वो कंट्री छोड़ जाते हैं तो उनसे कंट्री छोड़ के जाने से पहले जो उनका पेंडिंग बिल्स है ना, उसको कलेक्शन के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड अर्ज्ड एक्सपैट टू अबाइड बाय द न्यू अरेंजमेंट्स। मतलब ये जो नया नियम लगाया गया है, इसको जो है पालन करने के लिए उन्होंने अर्ज किया है, मतलब आग्रह किया लोगों से कि इसका पालन करें, कि कंट्री छोड़ के जाने से पहले अपना सारा जो बिल्स है उसको क्लियर करके जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे क्या बताया गया है कि एक्टिंग कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अंडर सेक्रेटरी अहमद अल मर्जन सेड द मेजर्स विल बी इंप्लीमेंटेड विद इन अ फ्यू डेज। मतलब ये जो नया नियम है ये कुछ ही दिन में लागू हो जाएगा। एडिंग दैट एक्सपैट कैन पे बिल्स थ्रू द सेहल एप्लीकेशन, मतलब जो एक सेहल एप्लीकेशन है ना, उससे जो है ये अपना बिल्स पे कर सकते हैं बिफोर लीविंग या फिर एयरपोर्ट पर, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। और देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी जो आपका पेंडिंग बिल्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर्स का बिल है, ये सब आप पे कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको एयरपोर्ट से क्लियरेंस मिलेगा अपनी कंट्री में जाने के लिए। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ कि पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ वेरियस सर्विसेज हैज़ बिकम कंपलसरी फॉर एक्सपैट टू बी एबल टू लीव द कंट्री। यानी कि ये कंपलसरी कर दिया गया है एक्सपैट्रेट के लिए कि सारा बिल जो उनका पेंडिंग बिल्स है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद ही वो कंट्री से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ कि अनटिल नाउ दे मस्ट पे फाइन ट्रैफिक फाइंस। मतलब अभी तक जो है कंपलसरी किया गया था कि ट्रैफिक फाइंस आपका जो है क्लियर होना चाहिए, तभी आप कंट्री को लीव कर सकते हैं। बट अभी देखिए, वाइल कंपल्सन्स टू पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स विल गो ऑन इन टू फोर्स ऑन सितंबर 1। यानी कि 1 सितंबर से जो है ये नया नियम लागू हो गया है कि आप अगर कंट्री छोड़ के जा रहे हैं तो उससे पहले आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल और आपका जो वाटर का बिल्स है वो क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि ऑलमोस्ट ऑल बिल्स कैन बी पेड एट द एयरपोर्ट एक्सेप्ट ट्रैफिक टिकट्स फॉर स्पीडिंग एंड इलीगली यूजिंग पार्किंग स्पेस अलोकेटेड फॉर द हैंडीकैप्ड विच मस्ट बी पेड एट ट्रैफिक ऑफिस। मतलब कि जितने सारे बिल हैं ना, वो आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं अगर आपका कोई बिल जो है पेंडिंग में है, एक्सेप्ट मतलब किसके, और वो कौन सा बिल है, ट्रैफिक टिकट्स फॉर स्पीडिंग, यानी कि अगर आप स्पीडिंग का आपके पास ट्रैफिक टिकट फाइन है या फिर आपने कोई पार्किंग जो है इलीगली अपनी गाड़ी पार्क कर दिया था जहाँ जो हैंडीकैप के लिए रिजर्व था वहाँ पे, तो इसका जो फाइन का बिल है ना वो आपको जो है जो ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ पे करना है, इसका पेमेंट आपका एयरपोर्ट पे नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो बाकी सारे बिल जो हैं वो आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं बिफोर लीविंग द कंट्री। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अगर आप कुवैत में रहते हैं, अपनी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे आप परमानेंटली जा रहे हो या फिर वेकेशन के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो ट्रैफिक का फाइन है और इलेक्ट्रिसिटी वाटर्स का बिल है ये पे कर दीजिए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वहाँ पर इस चीज़ के लिए फिर टाइम देना पड़ेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।